Let's start with skeletal muscles. Features of skeletal muscles: stirrated. Stirrated muscles क्यों बोल रहे हैं? Because they have striations, light band and then dark band, then again light band, then dark band, then again light band and so on. तो light, dark, light, dark, light, dark ऐसे चलता रहता है, ठीक है? इनके अंदर स्टाइरेशंस हैं, डिफरेंट डिफरेंट बैंड्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्राइप्स हैं, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं? स्टाइरेटेड मसल. सेकंड, वी कॉल देम एज स्केलेटल मसल्स बिकॉज दे आर एसोसिएटेड विद स्केलेटल सिस्टम. ये हमारे स्केलेटल सिस्टम के साथ हैं. दे आर वॉलेंट्री इन एक्शन. वॉलेंट्री मीन्स दे कैन वर्क अकॉर्डिंग टू आर विल. जैसा हम चाहते हैं, जैसा हम चाहेंगे, जब हम चाहेंगे तब ये काम कर सकती हैं, ठीक है? मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन होती है. मल्टी न्यूक्लिएटेड, ब्रांच नहीं होती है, अनब्रांच है, कोई ब्रांचेस नहीं दिख रही आपको, अनब्रांच है. एंड सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये आपने कहा कि हमारे अकॉर्डिंगली काम करती हैं, बट स्टिल इनको काम करने के लिए कैल्शियम चाहिए, और कैल्शियम का स्टोर हाउस है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम. अब ये समझिए वर्ड कहाँ से आया. मसल के सेल्स को हमने स्पेशल नाम दिया है. आप नॉर्मल सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाते हैं, वैसे ही मसल के सेल में हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सार्कोलेमा. लेमा मतलब मेम्ब्रेन. सार्को वर्ड आया सार्कोमियर से. सार्कोमियर क्या है? यूनिट ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन. अभी करेंगे. तो सार्को वर्ड हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? माइटोकॉन्ड्रिया को हम बोलते हैं सार्कोजोम. सार्कोजोम. साइटोप्लाज्म को हम बोलते हैं सार्कोप्लाज्म. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है सेल के अंदर, ER, इसलिए हम यहाँ पर बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम. समझ में आया? तो ये वर्ड्स यहाँ पर है. अब सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या था? जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो स्टोर हाउस है किसका? कैल्शियम आयंस का. तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम आयन रिलीज होते हैं, तब आगे का ये काम होगा, ठीक है? एक एक करके पढ़ते हैं. जैसे अभी हमने बात करी थी, बोन और मसल्स के बीच में जो कनेक्टिव टिश्यू है वो कौन है? टेंडन, ठीक है? नेक्स्ट, ये जो मसल है स्केलेटल मसल, इसके ऊपर एक कवरिंग है, एक शीट है, उस कवर को हम क्या बोलते हैं? एपीमायोसियम. एपीमायोसियम, ठीक है? एपी मतलब सबसे ऊपर वाला, एपिडर्मिस जैसे आप बोलते हो, ठीक है? इस मसल के अंदर बहुत सारे मसल बंडल हैं. आप ये देख सकते हैं, ये वाले सारे मसल बंडल्स हैं. एक मसल बंडल को हम क्या बोलते हैं? फेसिकल. फेसिकल के ऊपर भी कवर है, उसको हम क्या बोलते हैं? पेरीमायसियम, ठीक है? अभी हमने लर्न भी करवाया था आपको, मसल मसल के अंदर मसल बंडल. हर एक मसल बंडल के अंदर बहुत सारे सेल्स हैं, और वो सेल्स कुछ लंबे लंबे हैं, इसलिए हम उनको क्या बोल देते हैं? मसल फाइबर, ठीक है? मसल फाइबर के ऊपर भी कवरिंग है, उसको बोलते हैं एंडोमायसियम, क्लियर? तो अभी तक हमने देखा कि मसल होता है स्केलेटल मसल. एक मसल के अंदर बहुत सारे बंडल्स हैं, और उन बंडल को हम बोलते हैं मसल बंडल, या आप बोल सकते हैं सिंपल उनको फैसिकल. फैसिकल, हर एक बंडल के अंदर बहुत सारे सेल्स हैं, उन सेल्स को हम बोलते हैं मसल फाइबर. मसल फाइबर, और हर मसल फाइबर को अगर हम देखें डिटेल में, एक मसल फाइबर को हमने डिटेल में देखा, तो एक मसल फाइबर की जो मेम्ब्रेन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसको हम बोलते हैं सार्कोलेमा. उस पर जो नेटवर्क जाल लाइक स्ट्रक्चर होगा उसको हम बोलेंगे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम. उसके अंदर जो लिक्विड होगा साइटोप्लाज्म, उसको हम बोलेंगे सार्कोप्लाज्म. उसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया होगा उसको हम बोलेंगे सार्कोजोम. और ये मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन दिखाई गई है ये वाली, ठीक है? इतना क्लियर है? मेन बात पे आइए. मसल मसल के अंदर फेसिकल, फेसिकल के अंदर मसल फाइबर, और हर एक मसल फाइबर के अंदर, हर एक मसल फाइबर के अंदर पैरेलल स्ट्रैंड्स हैं. ये दिख रहे हैं आपको रेड वाले पैरेलल?
एक रेड वाले स्ट्रैंड को, एक पैरेलल स्ट्रैंड को हम बोलते हैं मायोफाइब्रिल, ठीक है। तो यहाँ पर हम मसल फाइबर के अंदर क्या देख पाएंगे, मायोफाइब्रिल, और आपको काम करना है इस मायोफाइब्रिल पे आज। कितना क्लियर है, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? कवरिंग्स याद हो गई, मसल की कवरिंग सबसे बाहर वाली एपी, फिर पेरी और फिर अंदर वाली एंडो। सबसे बाहर है मसल, मसल के ऊपर पेरीमायसियम, मसल के बाद फेसिकल आता है तो फेसिकल के ऊपर हो गई पेरीमायसियम, और फेसिकल के बाद आता है मसल फाइबर तो उस पर हो गई एंडोमायसियम। कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम बात करें इस मायोफाइब्रिल की। इस मायोफाइब्रिल के अंदर प्रोटीन के बने हुए दो टाइप के बैंड्स या स्ट्रैंड्स मिलते हैं, दो टाइप के प्रोटीन्स हैं। लाइट बैंड जो होता है वो एक्टिन का है, और डार्क बैंड में एक्टिन और मायोसिन दोनों आते हैं। आप सिंपल अभी बात कीजिए, एक लाइट बैंड है और एक डार्क बैंड है, बाकी सब छोड़ दीजिए अभी। तो अगर हम अंदर से देखें, बिल्कुल एंड में जूम करके देखा हमने, एंड में हमें क्या दिखा, मायोफाइब्रिल। मायोफाइब्रिल का स्ट्रक्चर देखते हैं तो वैसा दिखता है, एक लाइट बैंड, एक डार्क बैंड, एक लाइट बैंड, एक डार्क बैंड। कोई कन्फ्यूजन यहाँ तक, क्लियर? लाइट बैंड में सब कुछ लाइट है और डार्क बैंड में सब कुछ डार्क है। लाइट बैंड में सब कुछ लाइट है लेकिन एक सेंटर में एक डार्क लाइन है, उल्टा है। लाइट में पूरा बैंड है लाइट कलर का लेकिन एक डार्क लाइन है उसमें, और डार्क में सब कुछ डार्क है लेकिन बीच में एक लाइट बैंड है। समझ में आया? थोड़ा सा ऑपोजिट है, ठीक है। जैसे अगर हम यहाँ बनाएं तो ये आपने लाइट बैंड बनाया, डार्क बैंड बनाया। लाइट में हम कह रहे हैं क्या है बेटा, एक डार्क लाइन, और डार्क में क्या है, वाइट लाइन, ठीक है, क्लियर? ठीक है, तो यहाँ हमने क्या बनाया, ये आई बैंड, दिस इज लाइट बैंड, ए बैंड इज डार्क बैंड, लाइट बैंड, डार्क बैंड, लाइट बैंड, डार्क बैंड, ठीक है। लाइट के बीच में एक डार्क लाइन है, उसका नाम क्या है, जेड लाइन, बहुत इंपॉर्टेंट है। जेड जोन भी बोल देते हैं, जेड लाइन भी बोल देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ए बैंड के बीच में भी एक लाइट पोर्शन है, क्या बोलते हैं उसको, एम लाइन, एम, ठीक है, वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है अभी के लिए, एम लाइन बोल दो, ठीक है। एक एच भी होता है, अभी दो मिनट बाद बताऊंगी एच, पहले इतना समझ में आया। लाइट बैंड एंड डार्क बैंड, लाइट बैंड में एक डार्क लाइन है उसका नाम क्या है, जेड, और डार्क में जो लाइट है उसका नाम क्या है, एम, ठीक है, हमें जेड याद रखना है। दो जेड के बीच में, दो जेड के बीच में मतलब यहां से लेकर यहां तक, दो जेड के बीच में क्या क्या है बेटा, हाफ ऑफ आई बैंड, कंप्लीट ए बैंड, एंड अगेन हाफ ऑफ आई बैंड। समझ में आया? दो जेड लाइन के बीच में क्या क्या आता है, हाफ ऑफ आई बैंड प्लस कंप्लीट ए बैंड प्लस हाफ ऑफ आई बैंड, ये पूरा पार्टिसिपेट करेगा मसल कॉन्ट्रैक्शन में, और इसी को हम क्या बोलते हैं, सार्कोमियर। क्लियर? बच्चे जनरली बोलते थे सार्कोमियर में मैम एक आई बैंड आता है और एक ए बैंड आता है। नो बेटा, एक आई का मतलब क्या होता है, स्टार्टिंग कहाँ से होगा, यहाँ से। क्या ये आपका मसल यूनिट है? नो, मसल यूनिट कहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से लेकर यहाँ तक। आप हाफ और हाफ को प्लस मत करना, ठीक है, समझ में आया? अगर हम स्टार्टिंग से बात करें तो क्या वहाँ से स्टार्ट है हमारा सार्कोमियर? नो, सार्कोमियर कहाँ से कहाँ काउंट हुआ, ये वाले पोर्शन से, यहां से लेकर यहां तक। इसका मतलब इसमें क्या क्या आ गया, एक जेड लाइन आई, आगे बोलो, हाफ आई बैंड, फिर क्या आया, फुल ए बैंड, देन जेड लाइन, हाफ, जल्दी बोलो, हाफ आई बैंड, देन ए बैंड, देन, ठीक है, हाफ आई, कंप्लीट ए, हाफ आई, ठीक है, समझ में आ रहा है? किसके सिर के ऊपर से निकल रहा है सब कुछ, ये बता दो जल्दी से, हाफ आई, कंप्लीट ए, एंड देन हाफ आई, और आसपास क्या होंगी, जेड लाइंस, ये जेड लाइंस होंगी, ये रही आपकी जेड लाइंस। तो दो जेड लाइन के बीच का क्या क्या हो गया, हाफ आई, ए, एंड देन हाफ आई, ठीक है, कोई कन्फ्यूजन? ठीक है, आगे देखते हैं।
ये जो आई बैंड है, ये आई बैंड ये किसका बना है? एक्टिन का। और ये जो ए बैंड है उसमें ध्यान से देखना, ए बैंड बेटा यहाँ से शुरू किया मैंने और यहाँ तक ख़त्म किया, क्या क्या आ गया बेटा इसमें? पूरा पूरा तो रेड वाला पोर्शन आ गया और आधा आधा ब्लैक भी तो आया, ये देखो है ना। तो ए बैंड अगर मैं बात करूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक, क्या क्या आ गया उसमें? ये क्या है ब्लैक वाला, क्या है एक्टिन, ये क्या है मायोसिन। तो इसमें एक्टिन और मायोसिन दोनों आते हैं, ठीक है, क्लियर। लाइट बैंड में क्या क्या आएगा? ओनली डायग्राम देखो, डायग्राम देखो, डायग्राम देख के बताओ, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। लाइट बैंड कहाँ था? आपने बोला ये है मैम लाइट बैंड, यही बोला ना लाइट है, इतना पोर्शन आपने का लाइट है। तो लाइट में कौन सा बैंड आ गया? खाली एक्टिन आया, ठीक है। ये भी लाइट है, क्या आया इसमें? खाली एक्टिन। डार्क कहाँ पर है बेटा? यहाँ से लेकर कुछ यहाँ, यही है डार्क। क्या क्या आ गया देखना इस सर्कल के अंदर? दोनों है, क्योंकि ये रेड वाला ये मायोसिन है और ये ब्लैक वाला क्या है? एक्टिन। तो एक्टिन एंड मायोसिन बोथ, ठीक है, एक्टिन एंड मायोसिन। सो अभी तक हमने मायोफाइब्रिल का स्ट्रक्चर देख लिया। मायोफाइब्रिल के स्ट्रक्चर में हमने यूनिट ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, एक छोटा छोटा टुकड़ा किसका था? सार्कोमियर का। और सार्कोमियर में क्या आता है? हाफ आई ए एंड हाफ आई, ठीक है। आई बैंड को हम आइसोट्रॉपिक बोलते हैं और ए बैंड को हम एनिसोट्रॉपिक बोलते हैं, ठीक है। एक्टिन और मायोसिन, अभी आपने देखा एक्टिन और मायोसिन होते हैं। ए बैंड में क्या क्या होता है? एक्टिन एंड मायोसिन दोनों होते हैं और आई बैंड इज मेड अप ऑफ ओनली एक्टिन। तो जरा इस एक्टिन और मायोसिन को देखते हैं, इसमें क्या आता है, व्हाट इज एक्टिन व्हाट इज मायोसिन, ठीक है। मायोसिन की अगर हम बात करें बेटा, मायोसिन में ऐसे हेड नेक और टेल, ये हेड है, ये नेक है और ये टेल है। हेड नेक और टेल कुछ ऐसे होगा ये, ठीक है। ये क्या हो गया? टेल, ये नेक और ये हेड। हेड पोर्शन में जो कंसंट्रेशन है मायोसिन की वो बहुत ज्यादा है, ठीक है, और यहां पर कम है, इसलिए इसको बोलते हैं लाइट मेरोमायोसिन और इसको बोलते हैं हैवी मेरोमायोसिन। इसलिए मैंने लिखा था LLM और HLM। लाइट मेरोमायोसिन जहां पर मायोसिन कम होगा और जहां पर बहुत सारा होगा हम क्या बोलेंगे? हैवी मेरोमायोसिन। मैं अलग से लिख देती हूँ, इसका अभी हम यूज नहीं कर रहे हैं। HMM इज हैवी एंड LMM इज लाइट मैरो मायोसिन। अभी आप इसको छोड़ दीजिए, अब क्या रह गया हमारे पास? खाली हेड नेक एंड टेल। एनी डाउट्स? इसका जो हेड है उसके पास ATP बाइंडिंग कैपेसिटी है। यहां पर कौन बाइंड करता है? ATP आके बाइंड करता है, और ATP जब बाइंड करता है बेटा, वो ATP फिर टूट जाता है किसमें? ADP में। ATP आया और ATP ब्रेक हो गया किसमें? ADP एंड फॉस्फेट, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। समझ में आया? इस पोजीशन पर आकर ATP आया और वो जब गया तो क्या हो चुका था? वो टूट चुका था ADP में और PI में। इस वजह से जो हेड थे वो एक्टिवेट हो गए। क्यों एक्टिवेट हो गए? हेड को एक्टिवेट क्यों करना है? क्योंकि ये हुक बनाएंगे, हुक बना के ये सामने वाले को खींचेंगे। करना क्या है, एम क्या है, ध्यान से सुनना। ये दो जेड लाइन है, इनको दोनों को ऐसे पास में खींचना है। दो जेड लाइन है, उन दोनों जेड लाइन को हमें ऐसे पास में पुल करना है, ठीक है। पुल करने के लिए
ये देख रही है रेड वाले डॉट्स, ये हेड है, ये इससे जुड़ेगा ब्लैक से और उसको खींचेगा। तो खींचने के लिए उसको एनर्जी चाहिए, पहले आप उसको उठा तो दीजिए, खाना तो खिला दीजिए। तो वो क्या था? एटीपी। एटीपी से वो बाइंड करेगा, एटीपी टूटेगा एडीपी एंड पीआई में, और बहुत सारी एनर्जी निकलेगी जिससे ये हेड क्या हो जाएंगे? एक्टिवेट हो जाएंगे। क्यों एक्टिवेट हो जाएंगे? बिकॉज इन हेड को किससे अटैच करना है? एक्टिन से। ब्लैक वालों को खींचना है पकड़ के अपने पास, ठीक है, कुछ ऐसे। समझ में आया? ठीक है, तो पुल करने के लिए एक्टिवेट करना था, और एक्टिवेट करने के लिए क्या चाहिए था? एटीपी। इसलिए हेड के पास गए, एटीपी, एटीपी साइट, एटीपी बाइंडिंग साइट, जहां पर एटीपी आके बाइंड करेगा और वो टूट जाएगा एडीपी और पीआई। एनी डाउट्स? आगे चले। बाइंड किससे करना था? एक्टिन से, ठीक है। मायोसिन तो समझ में आ गया, तो एक्टिन को भी देख लीजिए, एक्टिन कैसा दिखता है। एक्टिन में दो एफ एक्टिन है, दो हेलिकल स्ट्रैंड्स है, डीएनए देखा है ना, हेलिकल होते हैं ना, दो स्ट्रैंड्स होते हैं। सिमिलरली बेटा यहां पर भी दो स्ट्रैंड्स हैं, ये दोनों क्या है? एफ एक्टिन। तो हमारे पास क्या है? दो एफ एक्टिन, ठीक है। जो एक्चुअल में बॉन्ड बनेगा वो इसमें हेड में और एफ एक्टिन में बनेगा। हेड किसको पकड़ के खींचेगा? एफ एक्टिन को, ठीक है। अब हेड का अगर मन करा चलो एफ एक्टिन को खींच के आते हैं, ऐसे पंगे लेके आते हैं फालतू में, तो वो हर समय खींचता रहेगा। आप नहीं चाहेंगे तो भी आपका हाथ ऐसे होता जा रहा है, ऐसा तो नहीं होता ना। दैट मीन्स जब हम चाहते हैं तभी होता है, इसका मतलब ये रहता है इनएक्टिव फॉर्म में, जब हम चाहेंगे तो ये क्या हो जाएगा? एक्टिव। तो इस पे ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं जहां से ये बाइंड करेगा, ब्रिज बनाएगा। ब्रिज बनाने वाले पॉइंट्स यहां पर हैं, उन पॉइंट को छुपा दो वरना ये कभी भी आके पुल कर देगा। छुपाने के लिए हमने एक और स्ट्रैंड लगाया जिसका नाम था ट्रोपोमायोसिन। ये ट्रोपो मायोसिन, इससे और बांध दिया कि ये खुले ना, क्योंकि अगर ये खुल गया तो क्या होने लग जाएगा? कॉन्ट्रैक्शन। तो इसको बांधने के लिए एक और रस्सी बांध दी, और उसके ऊपर जो रस्सी लगाई उसका नाम था ट्रोपोमायोसिन, और कैप्स लगा दी। जो पर्टिकुलर वो पॉइंट थे जहाँ से ब्रिज बनेगा, सपोज ये वो पॉइंट थे ये वाले, तो इन पे हमने क्या लगा दी? कैप्स, ढक दिया बिल्कुल, ठीक है। इस कैप को बोला हमने ट्रोपोनिन, ट्रोपोनिन। तो मेन जो काम करना था वो करना था एफ एक्टिन ने। एफ एक्टिन ने किसके साथ ब्रिज बनाने थे? मायोसिन हेड या टेल? हेड। लेकिन दोनों को एक्टिवेट करना पड़ा। इसको एक्टिवेट करने के लिए आपको क्या हटाने पड़ेंगे? कैप्स, और ये ब्लू वाला धागा भी हटाना पड़ेगा, थोड़ा सा इसको भी रिलीज करवाना पड़ेगा। वो इतना टाइट होके बैठा है कि बॉन्ड नहीं बना पाएगा, उसको रिलीज करवाना है। वो तभी रिलीज होगा जब ये कैप्स हटेंगी। इस कैप को कौन हटाएगा? कौन आएगा जो इस कैप को हटाएगा? अब आएगा यहां पर कैल्शियम, ठीक है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम समझ में आया था? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक जाल नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर, उसके अंदर क्या भरा था? बहुत सारा कैल्शियम। मसल्स ने कैल्शियम रिलीज कर दिया। अब मसल्स को कैसे पता चला कैल्शियम रिलीज करना है? एनी आइडिया? न्यूरोट्रांसमीटर्स, याद कीजिए, करा था आपने ये वाला डायग्राम। सॉरी, कुछ याद आ रहा है? प्री साइनेप्टिक नोब, साइनेप्टिक वेसिकल्स, यहां से मैसेज यहां रिलीज हुआ, पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन, न्यूरोट्रांसमीटर्स के थ्रू क्या रिलीज हुआ? कैल्शियम आयन। ब्रेन ने मैसेज दिया, ब्रेन ने रिलीज करवाए क्या? कैल्शियम आयन। और उस कैल्शियम आयन जब रिलीज हुए, वो कैल्शियम आयन बाइंड करे ट्रोपोनिन से, और ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन दोनों रिलीज हो गए। कैप खोल दी उन्होंने, हटा दिया, ठीक है। तो एफ एक्टिन की जो एक्टिव साइट थी, जो छुप गई थी, वो अब दिखने लग गई। तो ट्रोपोनिन क्या करता है? इट मास्क एक्टिव, मास्क मतलब
छुपा लेता है, ढक लेता है, मास्क एक्टिव साइट्स ऑफ एफ एक्टिन, एफ एक्टिन की एक्टिव साइट को छुपा के कौन रखता है? ट्रोपोनिन। ठीक है, तो कैल्शियम जैसे ही आएगा सबसे पहले ट्रोपोनिन से बाइंड करेगा, उसको बोलेगा प्लीज थोड़ा साइड दे दो, ट्रोपोमायसिन भी हट जाएगा और एफ एक्टिन की एक्टिव साइट दिखने लग जाएंगी। जैसी वो दिखेंगी यहां से हेड क्या बोलेगा? मैं भी तैयार हूं। ठीक है, अगर ये आपके एफ एक्टिन है, ये एफ एक्टिन है, दो जेड लाइन्स है। ठीक है, क्या करेगा ये मायोसिन? यहां बाइंड किया, ध्यान से देखना, सबसे पहला स्टेप अटैचमेंट, अटैच होगा, फिर क्या करेगा? धक्का मारेगा, बेंड करा है ना अंदर, इसको बोलते हैं पावर स्ट्रोक, पावर स्ट्रोक। ठीक है, पहले स्टेप में क्या करेंगे हम, इन इसको मुझे ऐसे पुल करना है, ध्यान से देखना फिंगर्स की मूवमेंट बिल्कुल ऐसे ही काम करता है, आप अपनी वीडियो देख लेना जो मैंने अभी सेंड करी। सबसे पहला स्टेप अटैचमेंट, अटैचमेंट के लिए क्या, उसको एक्टिवेट होना था, एक्टिवेट होने के लिए उसको क्या चाहिए था? एक एटीपी। तो मायोसिन को एक एटीपी चाहिए, एक एटीपी मिलने के बाद वो एक्टिव होगा, एक्टिव होने के बाद वो अटैच होगा, अटैच होने के बाद वो क्या करेगा? पावर स्ट्रोक, धक्का मारेगा। इसको तो पुल कर दिया, अब किसकी बारी है? सेकंड वाले की बारी है। इसको पुल करने के लिए इससे हटना पड़ेगा, फिर से क्या चाहिए? एटीपी। तो टोटल कितने एटीपी चाहिए? दो, एक अटैचमेंट के लिए, एक ब्रिज बनाने के लिए और एक ब्रिज को डिटैच करने के लिए। समझ में आ रहा है? ठीक है, देखिए पावर स्ट्रोक से पहले अटैचमेंट, अटैचमेंट के बाद पावर स्ट्रोक, देन डिटैच, देन अटैच, स्ट्रोक, डिटैच, अटैच, स्ट्रोक, डिटैच, अटैच, अटैच हुआ, स्ट्रोक खींचा और डिटैच हो गया, मसल कॉन्ट्रैक्ट हो गया, जेड लाइंस पास में आ गए। समझ में आया? दिस इज नोन एज स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। किसने दी थी? हॉक्सले ने दी थी। ठीक है, तीन स्टेप्स हमने इसमें पढ़े हैं। सबसे पहला स्टेप क्या था? क्रॉस अटैचमेंट, दैट इज क्रॉस ब्रिज। जल्दी बताइए क्या था? फॉर्मेशन। क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन के लिए क्या क्या चाहिए था? जल्दी बोलिए। यहाँ पर हेड को क्या देना है? मायोसिन हेड को, मायोसिन हेड को एक्टिवेट करने के लिए आपने क्या दे दिया? एटीपी। क्या हम कह सकते हैं एटीपी का हाइड्रोलिसिस हो गया, एटीपी टूट गया एडीपी और पीआई में, एक तो ये काम किया। एक्टिन को क्या दिया था? कैल्शियम। किसको दिया? ट्रोपोनिन। और ट्रोपोनिन को देने के बाद एक्टिव साइट्स क्या हो गई? किसकी एक्टिव साइट? एफ एक्टिन एक्सपोज्ड हो गई। और क्या बन गया इन दोनों के बीच में? क्या बन गया बेटा? क्रॉस ब्रिज। किस किस के बीच में बना? क्रॉस ब्रिज फॉर्म बिटवीन मायोसिन हेड एंड एक्टिन एंड एफ एक्टिन, दोनों के बीच में क्या बन गया? क्रॉस ब्रिज। कोई डाउट किसी को फर्स्ट स्टेप में? ठीक है, सेकंड स्टेप क्या होते हैं? सेकंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, पावर स्ट्रोक। पावर स्ट्रोक में क्या करते हैं? धक्का मारते हैं, जेड लाइंस को पास में पुल करते हैं, एक्टिन को, ध्यान से देखिए ये क्या है, रेड वाला क्या है? जल्दी बताइए, रेड वाला इज मायोसिन, ब्लैक वाला एक्टिन, एक्टिन को पास में पुल करा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड स्टेप क्या होगा? डिटैचमेंट। डिटैचमेंट इसमें क्या करेंगे? एक और एटीपी चाहिए। किसको देंगे एटीपी? मायोसिन हेड को देंगे, एक और एटीपी देंगे, तब जाके वो क्या होगा? डिटैचमेंट। ठीक है, क्रॉस ब्रिज पहले बना, पावर स्ट्रोक, देन डिटैचमेंट। इस कंप्लीट को हम बोलते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, स्लाइडिंग फिलामेंट, स्टॉप राइटिंग प्लीज, स्लाइडिंग फिलामेंट। And the scientist who has given this is Huxley. Now wait, wait, wait. Muscle contract हुई है. Relax भी तो करवाना है. ठीक है? ये हाथ ऐसे हुआ. कब तक ऐसे रहेगा? कभी तो खोलोगे. ठीक है? क्या होगा? Opposite step.
कैल्शियम सारा चला गया वापस, कहाँ से आया था कैल्शियम? सार्कोप्लाज्मिक, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कैल्शियम चला गया, ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन अपने वापस पोजीशन पे आ गए, उन्होंने एक्टिव साइट को मास्क कर लिया, छुपा दिया, और इधर से एटीपी चला गया, अभी और एटीपी नहीं आएगा तो हेड भी इनएक्टिव हो गया एंड मसल्स रिलैक्स कर गए। ठीक है, कोई डाउट? श्योर, नोट कर लीजिए।